हाय गाइस, अगर बजाज की हिस्ट्री देखें ना, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मतलब एक चेतक स्कूटर होता था, वो लिटरली इंडियंस है ना, काफ़ी एसोसिएट करते हैं बजाज चेतक स्कूटर से। और ये जो आज मेरे पास ईवी स्कूटर है, इसका नाम है बजाज चेतक ईवी। और ये जो है ना, उसी बजाज चेतक को देखते हुए एक मॉडर्न वर्जन निकाला इन्होंने ईवी वाला। एंड गेस व्हाट, आज मैं आपको इसी स्कूटर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में आप लोग को मैं बताता हूं। ये जो आप हेडलाइट देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल चेतक में भी था, उसी को जो है थोड़ा मॉडर्न बनाया है। यहाँ पर DRL ऐड कर दिया है, नो डाउट इसको एक फैंटास्टिक लुक दे रहा है ये। अगर आप ये पूरा एरिया देखोगे, पूरी स्टील बॉडी है, ये वाला प्लास्टिक है बस, वरना ये पूरा का पूरा स्टील है। और इसी वजह से ये पूरा व्हीकल जो है 120 kg के अराउंड वे करता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो स्कूटर है ना, टॉप टू बॉटम पूरा IP67 रेटेड है। जो बाकी ईवी स्कूटर्स होते हैं, उनके कुछ पार्ट्स या फिर बैटरी ही IP रेटेड होती है, इसका इंटायर IP रेटेड होना एक प्लस पॉइंट है। तो इन जनरल आपने सुना होगा कि लाइक ईवी स्कूटर्स में जो है अच्छी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, एक्सीडेंट होते हैं, तो इसका ये जो पूरी स्टील बॉडी होना, इसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये वाला बटन दबाने पे ना गाइस, ये वाला कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है, ये चीज मुझे कूल लगी। खैर, इस वाले एरिया में दिखाऊं तो यहाँ पर मेडिकल किट मिलती है, वैसे ये वाला एरिया पूरा स्टोरेज के लिए है। और इसी बटन को ना होल्ड रखने पे जो है बूट वाला एरिया खुल जाता है, तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर चार्जर भी रखा हुआ है, वैसे स्पेस मुझे थोड़ी कम लगी क्योंकि हेलमेट स्टोर नहीं कर सकते आप। और बजाज का ना ऐसा क्लेम है कि ये जो है ना, सिर्फ इम्पोर्टेंट फीचर्स दे अपने इस ईवी स्कूटर के अंदर, और साथ में ना जो बेसिक्स होते हैं एक स्कूटर के, कि अच्छे से कंफर्ट मिलना चाहिए, अच्छी राइड होनी चाहिए, वो इन्होंने फुलफिल करने की कोशिश करी है इस चेतक ईवी के साथ। और पता है, जैसे कि हमारे फोन्स में अपडेट आते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, उससे फिर फोन इंप्रूव होता जाता है, सिमिलरली ये ईवी स्कूटर में भी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट आएंगे और धीरे धीरे ये और इंप्रूव होता जाएगा। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करूं तो ऊपर जो है टाइम दिखता है, यहाँ पर जो है स्पीड है, ये रेंज है, यहाँ पर बैटरी भी दिख जाती है कितनी लाइक बची हुई है टोटल। और इस वाले एरिया में ना स्पोर्ट्स या फिर इको मोड, इन सब में आप स्विच कर सकते हो। बाकी एम बटन प्रेस करने के बाद ना हम ट्रिप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और चार्जिंग के बारे में बात करूं तो ईजी है, आपको जस्ट ऐसे प्लग करना है और आप किसी भी सॉकेट में इसको कनेक्ट कर सकते हो और फिर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट आपके घर में अर्थिंग होनी चाहिए, वरना जो है प्रॉब्लम्स होंगी अलग अलग। वैसे बूट में लाइट दी है जिससे रात को आपको कन्वीनियंट रहे। और इस चेतक ईवी के साथ ना एक ऐप का सपोर्ट भी है, इस ऐप की वजह से चेतक ईवी जो है और ज्यादा स्मार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये स्कूटर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा फोन के साथ, तो आप जो हो म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हो और इनफेक्ट कॉल्स भी उठा सकते हो। और इस ऐप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बैटरी लेवल दिख रहा है, रिमेनिंग रेंज भी, और स्कूटी की हेल्थ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट लोकेशन भी मिल जाता है। और जियो फेंसिंग भी आप सेट कर सकते हो। जियो फेंसिंग मतलब कि आप एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कितनी दूर अगर आपकी स्कूटी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेफ जोन आपने क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 100 meters का, उससे अगर बाहर गई तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा स्कूटर का। बाकी इसी ऐप में जो है सर्विस सेंटर्स भी दिख जाते हैं और चार्जिंग स्टेशंस भी, तो अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको बेसिकली वहां पे सब दिख जाएगा। एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि इस ऐप में ना सारे स्टैट्स आ जाते हैं, कि आपने किस स्पीड में स्कूटी को यूज किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ऐसे बहुत सारे मतलब स्टैट्स है। और इसी ऐप के अंदर जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर RC आप स्टोर करके रख सकते हो, तो भाई सही ऐप है। बैटरी की बात करूं तो 3 kWh की बैटरी इसमें लगी हुई है, और इको मोड पे 95 km चल सकती है और स्पोर्ट्स मोड पे 85 km। और चार्जिंग टाइम की बात करूं तो बजाज का क्लेम है कि फुल चार्ज होने में टोटल 5 hours लगते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चलाने में ये स्कूटर कैसा है। तो देखो, मैंने इसको जितना भी ड्राइव किया है, नो डाउट कंफर्टेबल तो था। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इसकी टॉप स्पीड जो है 69 km/h की है। वैसे मैंने एक और चीज नोटिस की थी, जैसे ही मैं पूरी की पूरी रेस देता हूं तो ऑटोमेटिकली इको से ये स्पोर्ट मोड पे शिफ्ट कर लेता है। वैसे इसमें 16 Nm का टॉर्क मिलता है, तो वो बहुत हेल्प करता है, लाइक अगर आप इंस्टेंटली इसको तेज चलाना चाहो तो वो भी हो जाता है। और ब्रेक्स के बारे में बात करूं तो फ्रंट वाले टायर मैंने चेक किया था, डिस्क ब्रेक मिलता है, और पीछे वाली साइड जो है ड्रम ब्रेक्स है। अच्छा, लास्ट में कुछ फीचर्स आपको दिखाता हूं। डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, आप देख रहे हो ना कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में जा रही है लाइट।
इनफैक्ट अगर आपने इंडिकेटर दिया है लेफ्ट साइड का और जैसे ही आप मोड़ लेते हो और अपना हैंडल वापस स्ट्रेट करते हो तो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है और इसमें हिल असिस्ट मिलता है, जैसे कि मैंने ट्राई किया था कुछ सेकंड के लिए इसने होल्ड करके रखा। और इसमें रिवर्स का भी फंक्शन मिलता है, वहां पर भी आप रेस दे सकते हो, ये बैकवर्ड जाती है। पर्सनली मेरे को ये काफी कन्वीनियंट फीचर लगा। और राइड क्वालिटी के बारे में बात करूं ना, तो मेरा पर्सनल टेक ऐसा है कि इसको ना सिटी के लिए बनाया गया है। नो डाउट अगर आप सिटी में बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो तो वहां पर आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा। जैसी पोर्ट लाई मेरे को सस्पेंशन भी अच्छा लगा, तो लाइक ओवरऑल कंफर्ट में देख के चलूं तो मुझे राइड क्वालिटी पसंद तो आई। और इसमें ना रीजन का ऑप्शन है, तो ये जो है पावर रीजनरेट कर सकता है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बटन कैसे वर्क करता है, स्टार्ट स्टॉप वाला। एक बार प्रेस करोगे तो ये स्कूटर ऑन हो जाएगा, दो बार प्रेस करने में ये ऑफ हो जाता है। अगर आप इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पर ये हैंडल लॉक हो जाता है। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी बजाज चेतक ईवी की। अगर आप कोई और ईवी भी यूज करते हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अगर आप चेतक ईवी यूज कर रहे हो तो उसका भी अपना रिव्यू फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में लिखकर जाना, बहुत लोगों की हेल्प होती है। और अगर आपको ये ईवी वाला टॉपिक पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हो सकता है मैं फ्यूचर में और भी अलग अलग चीजों की लेकर आऊं ऐसी वीडियो। खैर, अभी के लिए लाइक कर सकते हो वीडियो को और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बाय आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।